महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इंडिया गेट धरने पर बैठी हैं। प्रियंका गांधी इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी धरने पर बैठी हैं। दरअसल जामिया में प्रदर्शन के दौरान कई छात्राएं घायल हो गई। छात्राओं का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उन पर हमला किया, साथ ही कैंपस में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रियंका गांधी के साथ साथ उनके समर्थक भी धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि देश गुंडों की जागीर नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 2 घंटे का ये प्रदर्शन 4 बजे शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करना है। पुलिस ने रविवार को छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल किया था। संशोधित कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें बसों को आग लगा दी गई। प्रियंका गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल, पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी, अहमद पटेल और पार्टी के अन्य नेता भी धरने पर बैठे हैं। इस बीच खबर है कि 3 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। DMRC के मुताबिक पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, मेट्रो के एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया है। साथ ही पटेल चौक और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो नहीं रुकेगी। बता दें कि रविवार को दक्षिणी दिल्ली में भीड़ ने पुलिस कर्मियों, आम नागरिकों व मीडिया को निशाना बनाया था। भीड़ ने दक्षिणी दिल्ली के कुछ इलाकों को कब्जे में ले लिया। प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने व पुलिस के साथ झड़प के 5 घंटे बाद पुलिस ने जामिया नगर में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। हिंसक भीड़ ने पुलिस कर्मियों की बड़ी टुकड़ी से संघर्ष किया और मीडिया पर भी पथराव किया।